बड़ी खुशी की बात कहना चाहूंगा, लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है। हमारे पास जो पत्र आते हैं, हमारे पास में जो मैसेज आते हैं, हजारों लाखों पत्र और मैसेज रोज सीओर में आते हैं प्रतिदिन। खुशी इस बात की होती है कि नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, नवयुवक बेटे अब बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पित होना शुरू हो गए। लोग पूछते हैं शिवपुराण क्या देती है, हम कहते हैं उनका समर्पण बढ़ा है, उनका त्याग बढ़ा है, उनका प्रेम बढ़ा है, उनकी वात्सल्यता बढ़ी है, उनकी करुणा बढ़ी है। जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे थे वो वापिस थोड़ा ना थोड़ा अपने पिता का और माँ का आदर करना सीख गए, माता पिता का आदर करना सीख। शिव जी ने क्या करा था, शंकर भगवान का सबसे पहला जनमानस को देने वाला गुण है, शिव जी ने देवताओं के लिए अमृत छोड़ दिया और खुद बोलो जम के बोलो जरा विष पी गए। पिता ऐसा ही होता है, अपने बच्चों के लिए जोर 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 सब दे देता है, खुद खून का घुट पी जाता है। ठीक है करूंगा बाद में, तुम लोग खा लो मैं खा लूंगा बाद में, तुम लोग कर लो कर लेंगे बाद में, ये पिता का गुण है, विष पीना वो जानता है। तो मंदिर में रहने वाले शिव और तुम्हारे घर में रहने वाले शिव तुम्हारे पिता कोई दूसरे नहीं है, वो शंकर का ही एक अवतार है, शिव का एक तत्व है, शिव का एक स्वरूप, उसको पहचान अपने तत्व को जानने का प्रचार विचार करें। काघुसुंडी जी ने गुरु का अपमान कर दिया, एक यज्ञ रखा काघुसुंडी जी ने, और काघुसुंडी जी ने एक यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर अपने गुरु जी को नहीं बुलाया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि वो राम जी की भी आराधना करते हैं, शिव जी की भी आराधना करते हैं। पर हमारा सनातन धर्म कहता है कोई किसी को भी माने, हमने आपसे भी कहा राम जी को भजते हो राम को भजो, कृष्ण को भजते हो कृष्ण को भजो, शिव को भजते हो शिव को भजो, दत्त को भजते हो दत्त को भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो, पर कहीं अगर तुम्हें ज्ञान की कोई बात मिल रही हो, कोई सतत मार्ग मिल रहा हो तो वहां जरूर जाना। ऐसा नहीं कि मैं राम वाला हूं शिव के मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं शिव वाला हूं राम के मंदिर नहीं जाऊंगा। दुनिया के लोग तोड़ेंगे तुमको पर आप टूटना नहीं, गलत चीज कहीं मिले तो मत जाना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाइए। कुछ गलत मिल रहा है वहां नहीं जाना हमको, कुछ अच्छा मिल रहा है वहां जाना हमको। आज खोखड़ी में कम से कम 4.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस खोखड़ी की कथा में आए हुए हैं, 4.5 लाख से ज्यादा लोग टेंट बड़ा बड़ा के, वो नागपुर का टेंट वाला साहू जी थक गया, इतना रोज टेंट लगाता है, कभी इधर बढ़ा देता कभी इधर बढ़ा देता कभी उधर बढ़ा देता, टेंट बढ़ते बढ़ते भोजनशाला में घुस गया, भोजन सारे टेंशन में है कि दोनों टेंट एक मिला दिया अब कहाँ जाओगे, तो वो टेंट वाला साहू भी बोला अब हम इधर नहीं आएंगे अब हम उधर जाएंगे। कई लोग पूछते हैं इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ काहे को आ रही है, पेट्रोल तुम्हारा डीजल तुम्हारा गाड़ी तुम्हारी ड्राइवर तुम्हारा समय तुम्हारा, घर छोड़ के 200-500-700-800-900 किलोमीटर दूर से आ रहे, कितनी दूर दूर से। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। काघुसुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया यज्ञ में, यज्ञ रचा पर लोमश जी को नहीं बुलाया गया। लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा चेला मेरा शिष्य, लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है, और मेरा शिष्य अगर यज्ञ कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए, गुरु है चेला शिष्य भले बेर रख ले, शिष्य भले बेरी हो जाए, शिष्य भले कपटी हो जाए, शिष्य भले धोखा दे दे, शिष्य भले विश्वासघात कर दे, पर गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु है। कितना सुंदर संवाद है, एक गुरुजी स्नान करके आ रहे थे और एक ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर चढ़ गया, मुंह में पान भर के बैठ गया, तंबाकू भर के बैठ गया, पान भर के बैठ गया, गुरुजी आए गंगा नहा के इसने थूक दिया, फिर गुरुजी आए इसने फिर थूका, ये फिर गुरुजी आए इसने फिर थूका, गुरुजी बार बार गंगा नहा के आ रहे हैं ये बार बार थूक रहा है, फिर गंगा नहा कराए फिर थूका, फिर गंगा नहा कराए फिर थूका, बार बार थूका गया, मुंह में पूरा थूक खत्म हो गया, अंत में वो नीचे आ गया, पेड़ पे से नीचे उतर कर आकर गुरुजी से कहा क्षमा करिए, मैंने इतनी बार थूका, मैंने इतनी बार आपके ऊपर पान थूका गुटखा थूका, आपने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया गुरुदेव। गुरुजी ने कहा मुझे तेरे चरण पकड़ लेने थे, गुरु ने शिष्य के चरण पकड़ लिए, रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरे चक्कर में एक स्वाद लग गई, ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी ही तो दया है, तेरी ही तो करुणा है, ये तेरी कृपा से हुआ। हम अच्छा क्यों नहीं देख पाते, हमें अच्छा क्यों नजर नहीं आता, हम अच्छा क्यों नहीं देख रहे हैं? एक बहुत बड़ी बात है, थोड़ा अपने जीवन में उतारिएगा इस बात को। हमें दूसरे में दूसरा व्यक्ति गलती करा, दूसरा व्यक्ति अगर बेकार काम करा, दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कमी करा है, देखो बोलो मना नहीं, समझाओ मना नहीं है,
शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है, किसी व्यक्ति ने बेकार काम करा है, देखो समझाओ बोलो मना नहीं है, उसमें कोई कमी है बताओ कि तूने यह कमी रखी है, मना नहीं है बताने का कि तूने यह कमी कर दी। पर एक बात याद रखना, एक व्यक्ति में कमी दिखी, दूसरे व्यक्ति में कमी दिखी, तीसरे व्यक्ति में कमी दिखी, हर एक व्यक्ति में तुम कुछ ना कुछ कमी देख रहे हो, तो फिर हमें उसको नहीं बताना, फिर हमें अपने आप में समझना है कि हमें क्या कमी है जो सामने वाला व्यक्ति कमी नजर आ रही है। एक व्यक्ति में कमी नजर आए तो समझ लेना कि आप मार्गदर्शक हो, आप समझा सकते हो, आप ज्ञानी हो। दो व्यक्ति में भी गलती नजर आ जाए तो समझ लेना आप मार्गदर्शक हो, आप समझा सकते हो, आप ज्ञानी हो। तीन व्यक्ति में भी गलती नजर आ जाए तो समझ लेना मार्गदर्शक हो, समझा सकते हो, ज्ञानी हो। पर हर व्यक्ति में गलती नजर आ जाए, ये भी संत बुरे, वो भी संत बुरे, ये भी बुरे, वो भी बुरे, ये भी कथाकार बुरे, वो भी कथाकार बुरे, ये भी बुरा, वो भी बुरा, प्रत्येक व्यक्ति अगर गंदा नजर आने लगे, हर व्यक्ति में गलतियां दिखने लगे, तब सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, तुम गलत हो जो तुम्हें हर एक व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। फिर अपने में गलती देखो, एक व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, दूसरे व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, तीसरे व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, पर तुमने तो धंधा बना रखा हर एक की गलती छांटने का, तो समझ लेना कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम विद्वान नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। तुम में कुछ ऐसा सिम फिट कर दी भगवान ने जो दूसरे की केवल बुराई ही देखता रहता है, अभी अच्छाई देखी नहीं उसने जिंदगी में। वो सिम अंदर से निकालो जो फिट करी है, वो सिम के कारण तुम नेटवर्क गलत हो रहा है। कभी कभी कोकड़ी में हमने पूछा, यहाँ आने से पहले कई लोग पूछते हैं तुम्हारे कोकड़ी में कौन सा नेटवर्क चलेगा, तो कहा साहब ये वाली कंपनी का चल जाएगा। तो कह साहब हमारे पास तो वो कंपनी है ही नहीं, तो उसने फिर बेचारा गया बालोदा बाजार में से दूसरी सिम लेके आया थोड़े दिन के लिए कि यहाँ चला के यहीं छोड़ देंगे, नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है। व्यक्ति में गलती नजर आए, एक व्यक्ति ठीक नजर नहीं आए, एक व्यक्ति में गलती दिखे, एक व्यक्ति अगर तुम्हें बुरा नजर आ रहा है, समझाओ तुम ज्ञानी बनकर समझाओ, विद्वान बनकर समझाओ, तुम महाज्ञानी बनकर समझाओ, मना नहीं है। पर एक व्यक्ति में गलती दिखी, फिर एक संत में से गलती निकाली, फिर दूसरे संत में से गलती निकाली, फिर तीसरे महाराज में से गलती निकाली, चौथे कथाकार में से गलती निकाली, पांचवें उसमें से गलती निकाली, तुम 24 घंटा वेट कर गलतियां 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 छाट रहे हो, तो मतलब समझ लेना ऑफिस ही गड़बड़ है, डिपार्टमेंट गड़बड़ हो गया है, माता पिता ने कोई नमूना ही दूसरा पैदा कर दिया है, समझ लेना। ये अच्छा ही नहीं देख सकता, ये श्रेष्ठता नहीं दिख रहा। एक में गलती दिखे, दो में दिखे, तीन में दिखे, चार में दिखे, पांच में दिखे, चल जाएगा, लाओगे समझा दो, पर सब में गलती नजर आए समझ लो डिपार्टमेंट गड़बड़ है, ठीक नहीं है, विचार गड़बड़, सोच गड़बड़, अंदर ईर्ष्या भरा चुकी है, जलन भरा चुकी है, इसलिए गलत ही गलत दिख रहा है, अच्छा दिखी नहीं रहा। अपने आप को समझाने का प्रयास करिएगा। उत्तरकांड श्री रामचरित मानस का यह संवाद अपनी जिंदगी में उतारिएगा। काक बसुंडी जी लोमज बाबा को नहीं बुलाया, चेला गुरु को नहीं बुलाया, गुरु बुरा नहीं माने, चेला धोखा दे सकता है, चेला कपट कर सकता है, चेला विश्वासघात कर सकता है, शिष्य धोखा दे देगा, विश्वासघात कर देगा, शिष्य गाली दे देगा, शिष्य अपशब्द कर देगा, शिष्य गुरु की बहुत सी गलतियां गिना देगा, तो भी गुरु गुरु होता है, वो अपने चेले के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, तो भी आशीर्वाद दे देगा, जा बढ़ लेना, जहां रहे तो खुश रहना, मस्त रहना, अपनी जिंदगी आनंद में जी, वो गुरु होता है, वो गुरु। लोमज बाबा को काकुशुंडी जी ने नहीं बुलाया, फिर भी लोमज बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है और मैं उसका गुरु हूं, मेरा जाना फर्ज बनता है, मैं जाऊं, ये गुरु का फर्ज है, जाए। बहू गुस्से में आ जाती है तो सास से बात करना बंद कर देती है, बोलो री छत्तीसगढ़ की जीजी हो, सही है कि गलत है? बहू गुस्से में आती है सास से बात करना बंद कर देती है, बेटा गुस्से में आता है अपने पिता से माता से बात करना बंद कर देता है। पर इसमें कितने माता पिता ऐसे बैठे हैं, कितनी सास ऐसी बैठी है कि वो बहू गुस्से में आती हो, सास और बहू का झगड़ा हो जाता है, बहू सास से उपद कर बात नहीं करती, पर केवल एक घर की माँ ऐसी होती है तो भी वो उपद कर बात कर ही लेती है, क्योंकि वो भुलाना चाहती है हर एक दुख को, भी कर देती है कोई बात नहीं, कई बार तो देवरानी जेठानी आपस में कर देती है, जब उतना झगड़ा करके गई तो तुम काय को बोल रही हो, चाय दे, क्या दिया बेचारी को, चाय दिया, वो नहीं पी के गई है, जा दिया, अभी तो लड़के गई तुमसे, फिर काय को चाय दे रहे हो, बस तू तो चली जा, दिया उसको चाय, जा उसको चाय जा, देखा राजू, अरे उसने झगड़ा कराए, करने दे, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला, जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा, अपन क्यों पूरे बने के कर, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ना ना ना, लोमज बाबा ने बुरा नहीं माना, लोमज ऋषि तो तुरंत गए काकभुसुंडी जी के यज्ञ में, गए काकभुसुंडी जी यज्ञ में पूजन करा रहे थे, ब्राह्मण देवता उनके पास में बैठे हुए थे, ये आहुतियां डाल रहे थे, आहुतियां डाल, कोई यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ करने वाला यज्ञ करवाने वाला दोनों को इस बात का विचार रखना चाहिए कि कोई विद्वान अगर यज्ञ के अंदर आया है तो पहले खड़े होकर उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पर
यज्ञ कराने वाला और करने वाला दोनों को यह चीज का स्मरण होना चाहिए कि कोई विद्वान हमारे यज्ञ में आया है, कोई गुरु, कोई सतमार्गी, भले गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग, विद्वान बुजुर्ग, कोई गांव का, एक छोटे से गांव में भी कोई विद्वान पंडित होता है, वो भी अगर हमारे यहाँ यज्ञ में आकर खड़ा हो जाए तो भी यज्ञ कराने वाला कितना भी विद्वान हो, गांव का पंडित, गांव का बुजुर्ग पंडित माना, उसको तुम्हारी शहर जैसी बहुत सारी विद्या नहीं आती है। तुम शहर में पढ़ लिख के बहुत बड़े विद्वान बन गए, गांव में यज्ञ करने गए हो, पर गांव का कोई साधारण, गांव का कोई सिंपल सा, एकदम साधारण सा बुजुर्ग पंडित, भले उसने गांव में रहकर पंडिताई तो करी है, ऐसा बुजुर्ग पंडित अगर उस यज्ञ में आ जाए तो यज्ञ कराने वालों को उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसको नहीं आता कुछ भी तो भी आदर करिए, सम्मान करिए, क्योंकि उस गांव का बुजुर्ग पंडित ने पूरी जिंदगी इन गांव के लोगों में लगा दी, उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। नव युवक लड़के आजकल के जमाने के सोचते हैं हम तो इतने विद्वान हैं, हमने तो वहां पढ़ाई करी, हमने तो वहां पढ़ाई करी, ये गांव का पंडित किस काम का, ना ना ना, तुम आज पढ़कर आयो, उस गांव के बुजुर्ग पंडित है इस गांव को केवल संभालने में। दुनिया के लोगों को लगता है जब वो प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गया जी जाते हैं तो वहां पंडा हुन नहीं मिलते, मथुरा वृंदावन जाओ तो पंडा हुन मिलते हैं, तो इन लोगों को बड़ी लोगों को हंसी उड़ाते हैं लोग, पंडा जी आ गए, पोथी पाना लिया, लिखेंगे, अब आपसे पैसा लेंगे, ना ना ना, आपको खुश होना चाहिए कि आपके पूर्वजों का नाम आज तक वो पंडाओं ने जीवित रखा है, घाट पर देखकर नाम लिखते हैं और उन्होंने जीवित रखा आपके पूर्वजों का नाम, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो तुम्हारे पिता और दादा के नाम तो लोग भूल गए होते, उसमें दुख नहीं, उसमें प्रसन्नता होना चाहिए, ये प्रसन्नता का। गुरु के दरवाजे पर जाओ तो कभी अहंकार रखकर मत जाओ, माता पिता के पास जाओ तो कभी अहंकार रखकर मत जाओ, कभी अभिमान रखकर मत जाओ, अभिमान से परे, अभिमत्ता से परे, अहम से परे जाओ। जब शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, लोमज बाबा चले गए कागभसुनी जी के यहां, यज्ञ कराने वाले यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ करने वाला था, लोमज जी को देखकर नहीं उठे, लोमज जी तो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुरु है वो, गुरु, गुरु को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आज के जमाने में तो गुरु की पहचान भी नहीं होती, लोगों को लगता है बहुत सारा ज्ञान दे दिया तो गुरु जी हो गए, ना 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 ना, लोगों को प्रवचन देना अलग बात है, लोगों को ज्ञान देना अलग बात है, लोगों को कहना अलग बात है, पर जितना कहा उतना खुद पर अमल करना अलग बात है। एक पंडित जी ने एक कथाकार थे, उन्होंने प्रवचन में कह दिया, उन्होंने कहा चतुर्मास चल रहा है, बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को क्या बोलते हैं यहां पे, बटा, हाँ तुम समझ गए ना, बस बाकी ठीक है। पंडित जी ने प्रवचन में कह दिया बटा नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, दोष चतुर्मास ने, चार महीना ना कहा। पंडित जी प्रवचन देकर घर गए, पत्नी ने मूंग की दाल रोटी रख दी, पति ने मूंग की दाल रोटी जो देखी तो गुस्सा में लाल हो गया, कल मैं भटा लाया था तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली तुम ही तो प्रवचन में बोले थे कि चतुर्मास में चार महीना भटा नहीं खाना, तो मैंने नहीं बनाया। इतने में पति माथा ठोक कर बोला अरे ओ पगली, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई, मतलब कथा दूसरे के लिए हो सकती खुद के लिए नहीं है। जितना प्रवचन में कहे एक प्रवचन करने वाला, जितना कथा कहने वाला कथा में कहता है उतना खुद भी अमल करे, तब राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं करेगी, राष्ट्र सुधर जाएगा, राष्ट्र सुधर जाएगा। मेरे नामदेव जी, मेरे तुकाराम जी, नानक देव जी, बुद्ध जी, महावीर स्वामी, आदिकारिक जितने भी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, कर्माबाई, ये सब इन्होंने पहले अपने आप को संवारा है फिर राष्ट्र को संवारा। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन्होंने अपने आप को फिर राष्ट्र। हम क्या पहले राष्ट्र को संवारने का काम करते हैं, मेरा लड़का सुधर जाए, मेरा बेटा गलत जगह नहीं जाए, मेरा बेटा मदिरा नहीं पिए और बाप रात में टन हो के आए, तो ये बताओ औलाद बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी। हम आशा हमने रखी है मेरा बेटा सही व्यवहार करे, हम कह रहे हैं मेरी बहू ऐसी आना चाहिए जो मेरे पांव पड़े, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए जो मुझे प्रणाम करे, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए जो मीठा बोले, मेरी बहू ऐसी आए जो इतना अच्छा भोजन बनाए, मेरी बहू आए तो मेरे जी हजूरी करे, मेरी बहू आए तो सब जगह आनंद हो। अब मेरी बहू आए तो पांव पड़े, मेरी बहू आए तो प्रणाम करे, तुम कितना अपनी सास को प्रणाम कर रही हो, तुम कितना अपने बड़ों का आदर कर रहे हो, तुम कितना अपने बड़ों का सत्कार कर रहे हो, जब तुम नहीं कर रहे तो वो जगदम्बा करेगी, अरे जाने दो तुम्हें चंद्र घंटा बना के रख देगी, कुछ नहीं करने वाले, तुम करोगे तो होगा, हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, कब बदलेगा, जब हम बदलेंगे, कब बदलोगे, नियम बनाओ कि हमें आज से बदलना, अभी से बदलना,
और जब हम अभी से बदलेंगे, आज से बदलेंगे, तब युग बदलेगा, नहीं तो खटक खटक जिंदगी निकल जाएगी। बदलाना बदलना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज थोड़ा बोलता बहुत अड़ा टेढ़ा है, और बोलते भी तभी हैं जब अपने ऊपर भी अमल करें, और आपको भी कहेंगे कि अपने ऊपर अमल करिए, अपने ऊपर पहले प्रभाव पड़ना चाहिए। तब हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी स्कूल जाते थे, हम भी पहनावा बदले हैं, हमने भी अपनी जिंदगी का सारा आनंद सुख जो था वो छोड़ा, ये परमात्मा की शरणागति। तब आप लोगों से कहा परमात्मा की शरणागति जाओ। इतने पत्र हैं, इन पत्रों में आप लोगों के मन में, जिन्होंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जिन्होंने शिव जी की आराधना करी, को इन पत्रों में वर्णित है। तत्व को जानिए। लोमाज बाबा पहुंच गए। कल कथा में कहा था, कोई आपको गाली दे, आप शब्द कहे शंकर के भगत को, शिव के उपासक को, शंकर मंदिर जाने वाले को, शंकर की कथा सुनने वाले को, शंकर की कथा कहने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शंकर का गुणगान करने वाले को, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, अगर कोई गाली देता है, ताने देता है, उसका जवाब शंकर के भगत को नहीं देना, आपका जवाब महादेव देगा। और वो दिया दिया उत्तरकांड का, यीशु रामचरित मानस कह रही है उत्तरकांड की, दिया जवाब। किसने दिया? लोमश बाबा शंकर जी का भजन करते थे, थोड़ा राम जी का भजन करते थे, कागभुषुंडी शिव जी का भजन करते थे, पर गुरु का अपमान मेरा महादेव सह नहीं पाया। भले कागभुषुंडी शंकर का भजन करते थे, पर अपमान नहीं सहना। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप राम को मत पूछो, आप कृष्ण को मत पूछो। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है भजन जिसका करना करो। तुम राम को मानते हो, राम को मानो, तुम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को मानो, तुम्हारा जहां दिल लगे तुम तो उसको मानो, पर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। आपसे कभी नहीं कहा कि आप इसको मत मानना, आप मानो। श्री शिवाय नमस्ते, मानो आप सब। लोमश जी के लिए शंकर भगवान आकाशवाणी कर दी है। अब आई बारी कल की कथा, आ जाई है। तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम खुश होना, तुम आनंदित होना, तुम प्रसन्न होना, जवाब देने के लिए वो बैठा है। एक कथा याद आती है, एक पति पत्नी मॉडर्न, खूब डेंटिंग पेंटिंग करे हुए, लाइन खींची, डब्बा भरे हुए, इधर से नीली, इधर से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन, ऐसी हमारे तो बाल भी नहीं है, नहीं तो लटका के बता देते हैं, ऐसी नीचे से, फिर इधर से, फिर तलम्बा सुरमा, और गले में एक नेटलेस, वो भी गला दबता हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड करने जा रही है, ऐसी भयंकर। चलिए पति के साथ में पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी, पीछे की आवाज या एलईडी ध्यान रखिए, पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी, और जब पर्स हिलाती हिलाती जा रही है, पर्स हिलाती हिलाती जा रही, तो वहां से एक संत आ रहे थे। संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है, संत संत है, साधु साधु है। संत आ रहे थे, ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे, संत ने एक खड्डे में पानी भरा था, और संत उस खड्डे में कूद गए, कूदे तो कीचड़ पत्नी के ऊपर चले गया, पत्नी पर गया, तो पति को गुस्सा आ गया, उसने संत की गिरवान पकड़ ली, और संत की गिरवान पकड़ के दो धड़के दिया, बुढ़े अकल नहीं तुझमें, मूर्ख तुझमें अकल नहीं है, तेरी अकल मारी गई क्या, तेरी बुद्धि मारी गई क्या, और हाथ मोड़ दिया। संत कह रहे भैया मैंने क्या करा वो तो बताओ, मेरी पत्नी पर छिटा गया, कीचड़ चले गया, गवार हो तुम, अकल नहीं तुम में। संत कुछ नहीं बोला, क्षमा मांग ली, गलती हो गई, क्षमा मांग रहा है, दिख नहीं रहा था तेरे को, अंधा हो गया था तू। संत चला। अब पति पत्नी दोनों चलते 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 आगे, उनकी सोसाइटी थी लंबी बिल्डिंग में, ऊपर कहीं फ्लैट में रहता था, पति पत्नी दोनों चढ़े, संत अपनी मस्ती में चला जा रहा था, पति का सीढ़ी पे से पांव फिसल गया, और पति लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, सिर फूट गया, सब समाप्त हो गया, मर गया, प्राण छूट गए, पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वहीं से संत निकल कर जा रहा था, वही पूरी सोसाइटी वालों ने रोक कर कहा हो गया ठंडा, अब तो तेरा दिल खुश हो गया होगा। संत ने पूछा क्या हो गया, क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो, क्यों ताने दे रहे हो, अरे बेचारा जिस लड़के ने तेरी गिरवान पकड़ी थी, थप्पड़ मारा था, हाथ मरोड़ा था, वो बेचारा ऊपर से गिर के मर गया, ये सब तेरे कारण हुआ। संत ने कहा भाई देख, ये मरने वाला इसकी पत्नी को चाहता था, पत्नी पर कीचड़ आया तो बुरा इसको लगा, क्योंकि ये इसको चाहता था, मुझे चाहने वाला मेरा महादेव है, उसको बुरा लगा, उसने बदला लिया। यहां संत बदला नहीं लिया है, साधु ने बदला नहीं लिया है, किसी गुरु ने बदला नहीं लिया है, बदला महादेव ने लिया है।
लोमस बाबा कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, पर लोमस ऋषि के बोलने का बदला मेरे महादेव ने लिया। नहीं बोले, एक शब्द भी काकुसुंडी जी के सामने नहीं बोले। उसका नाम आशुतोष है, बोलता कम है करता ज्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते ज्यादा हैं करते कुछ नहीं है। घोषणा पत्र पढ़ते हैं, जब ढेर सारे पढ़ देते हैं मंच पे खड़े होकर, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, 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 सब कुछ कर देंगे, मालूम पड़े फिर पता ही नहीं पड़ता कहां गए। कहना और करने में अंतर होता है। कह देना अलग बात है, कर देना अलग बात है। कह देना अलग बात है, कर देना बहुत बहुत कठिन है महाराज। बहुत लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पे, बहुत 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता है। कई कई लोग हमारे सम्मुख में भी आकर बैठते रहते, तो हम मिलते जुलते कम है, हम किसी से भी नहीं मिलते। यहाँ पर भी तुम जजमान परिवार से पूछना, नहीं मिलते किसी से भी। कई लोग आके कहते हैं अरे गुरु जी एक बार कथा तो दो, टाइम तो दो, ऐसी कथा करवाएंगे, ऐसी कथा करवाएंगे कि अभी तक तुमने ऐसी कथा कहीं देखी नहीं होगी। हमने भी आशीष से कहा, हमने कहो गया कल्याण, कथा तो दो एक बार। महाराज कथा कभी धन से नहीं होती है, कथा कभी पैसे से नहीं होती है। धन से होती होती तो यह कोकड़ी में नहीं होती, बाले दरवाजे में होती। धन से कथा होती तो बालो दरवाजे में होती, भाटापारा में होती, रायपुर में होती, भिलाई में होती, दुर्ग में होती, कहीं कोबरा में, कहां बोलते बाकोरा कोबरा का बोले, हाँ जो भी हो समझ ठीक है, कहीं वहां हो रही होती। अब कोरवा सही पकड़े हैं, कहीं वहां हो रही होती। अब विचार करिए, लोग कहे कि धन से कथा हो जाए, धन से हो जाए, धन से हो जाए। अरे धन 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 करते करते एक दिन निधन हो जाता है, धन पड़ा रह जाता है, और फिर व्यक्ति को कंधे पे उठा के ले जाते हैं, खुले पैसे और पैसे फूल और मखाने फेंकते जाते हैं। राम नाम सत्य है, फूल इसलिए फेंके पुष्पांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंके घर भरा हुआ छोड़कर गया। कोई ने पूछा पैसा क्यों फेंका, क्योंकि जिंदगी भर कमा कमा के मर गया। अब तेरे बाप में दमो तो उठा के बता, उठा पड़ा है आरा पड़ा, उठा नहीं सकता। पैसा पड़ा, एक का सिक्का, पांच का सिक्का, ऐसा कैसा ठटरी पे अर्थी पे बंधा हुआ है, ऐसा कैसा अर्थी पर बंधा है, ऐसा कैसा, केवल बॉडी है, शरीर हिल नहीं रहा, और अर्थी पर बंधा नहीं उठा सकता, उठाए गई क्या करे धन का, बैठा है सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ग्राहक ग्राहक आ रहा है, एक दो ग्राहक और कर लो, पत्नी कह रही है घर आ जाओ खाना खा लो, देखो 10 बज रही अभी आ रहा, तो भी दो ग्राहक और आ रहे, दो ग्राहक और आ रहे, दो ग्राहक और आ रहे। फिर 11 बज गई, पत्नी बोली खाना खा लो, घर में बना भोजन ठंडा हो गया, जिसके चक्कर में तू इतना मेहनत कर रहा है वो सही से नहीं खा सके तो क्या करेगा, क्या होगा तेरा कालिया होगा क्या, दो रोटी सही से नहीं खा सके, दो घंटे शादी में जाने में तैयार होने में लगते हैं जी जी, कितने घंटे, दो, वो दुकान से नहीं आता उससे पहले तुम्हारा मुंह धुल जाता, शादी में जाना है 2 घंटे पहले तैयारी चालू होती है। कितनी देर के लिए जाते हो, केवल थोड़ी देर के लिए बक्कल मक्कल लगा के, और थोड़ी देर के लिए बस मिले, लिफाफा दिया और वो गुलाब जामुन वगैरह निपटाई, और उतनी देर बाद तुम, थोड़ी देर का काम था, 2 घंटे तैयार होने में लग गए, 2 घंटे। शिव कथा कर रही है, थोड़ी देर का काम था, 2 घंटे तैयार होने में लग जाते हैं, 2 घंटे तैयार होने में लगते हैं। शिव कथा कहती है थोड़ी देर का नाम जाप है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, और ना जाने कितने जन्म को काट देता है। केवल तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी साधना, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण कितने जन्म को काट देता है, कितने जन्म। काग भसुंडी जी महाराज, लोमश बाबा का जवाब, शिव जी ने कहा ए काग भसुंडी तू मेरा उपासक है, मेरा अपमान नहीं देख सकता, एक गुरु का अपमान मैं नहीं देख सकता, गुरु माता पिता इनका अपमान अच्छा नहीं, मैं तुझे श्राप देता हूं काग भसुंडी तू अजगर बनेगा। अब देखिए काग भसुंडी ने अपमान करा, उठा नहीं, प्रणाम नहीं करा, गुरु का आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, आदर नहीं करा, गुरु का शिवजी ने श्राप दिया तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम तो लोटा भर के पानी चढ़ाओ शंकर जी को, कोई गाली देगा आप शब्द कहेगा ताने देगा अपने आप मेरा महादेव निपटेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहना। एक नियम बना लो इस कथा से, आशुतोष महापुराण की कथा से, कि मुझे जवाब नहीं देना, अब जवाब देगा तो कौन देगा, बोलो जमके जमके बोलो, महादेव देगा, मैं जवाब नहीं दूंगी, जवाब वो देगा। देगा, बैठा है बैठा। काग भसुंडी जी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अजगर बनोगे। काग भसुंडी जी को उठकर खड़े हो गए, पर लोमश ऋषि की आंख में से जल बहने लगा, मेरे शिष्य को शंकर जी ने श्राप दे दिया। जितना काग भसुंडी जी नहीं रोए उससे ज्यादा लोमश जी रोए, क्योंकि गुरु है गुरु। उठ गए, चरणों में पड़ गए,
चरणों में, दिनों में जल भर गया, आंखों से आंसू बह रहे। तब शिवजी राजी नहीं हो रहे, तब लोमश ऋषि ने अपने शिष्य को सर्प की योनि से मुक्त करने के लिए रुद्रष्टक का पाठ किया, तब किया। तब लोमश जी ने हाथ जोड़कर कहा, नमामीश मीश, तब तब गाया, नयन नहीं चले, तब आंख में से आंसू बह रहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम कल्पम। तमाक से आंसू बह रहा, जल निकल रहा, रो रहे हैं, प्रभु गलती हो गई, कागोसुंदी जी से क्षमा करिए, क्षमा करो, हे शिव क्षमा करो, हे त्रिकालदर्शी क्षमा करो, आंखों से जल बह रहा। शंभू